केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फ़ोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया, ये तीनों चीज़ें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीज़ें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे, इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8500 केस पीक पे आए थे, हम 24000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, केंद्र सरकार के लगभग 10000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए, रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे।